हमारे महाराज का दरबार, कौन से महाराज? खर खर महाराज, खर माने गधा। हाँ हाँ, तो क्या मैं गधों की सेवा कर रहा हूँ? नहीं, खर माने तेज, दूसरा है दूसर जो फैलाता है प्रदूषण, तीसरा है तीसरा जो खड़ा हो जाता है मुसरा। हाँ हाँ, अरे दीवानो चला पहचानो, मैं हूँ का रहे हो सरकार, जिसको खा रहे हैं उसको पा 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 चा रहे हैं। ऐसा खाना खराब है, उसके बचाने के लिए मऊहा वाली शराब है। वज्रदंत रक्त प्रिय ताम लेन बलवान लोकानल को आनहु है आनंद महान। जो आनंद ये हमको प्रभु मार डालूंगा। बड़े मर कहे हो गया सरकार, जो आनंद हमको प्रभु ये सौ इंद्रों को छुदित रहे मन भर सदा, ये पेट भरन का जाए हो जाए। कहीं के दोस्त जब भी दरबार में आता है खाने की बात करता है, यहाँ के जीव जंतु ऋषि महात्मा से भी खत्म हो गए। विपिन मा जीव लेख लखात, फिर क्रम कीड़ा तज कहाँ गयो, अस्कर झूठ बता। सरकार खात खात मुनिहार के दांत गए गोठिला। अब मैं सेतुआ खात हूँ, सुन लो कान लगा। सेतुआ खा रहा? हाँ सरकार, हमारे यहाँ रह करके। हाँ सरकार, कहे के दोस्तों ये बता, कुछ दिनों से तुझे कुछ खाने के लिए मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला सरकार। क्या मिला? सात दिना ये नवरात में मिला थका था, एक मिला बिल्कुल, केवल एक, लेकिन कैसा था? आप कहीं के दोस्त, आप कैसा नहीं था, आपसे थोड़ा मोटा ताजा था सरकार। मिला थक रहा है, लड़के बच्चे खा गए, मैं रह गया खाली पे। बस मौन हो जा, कहीं के दोस्त जब भी दरबार में आता है खाने की ही बात करता है। सरकार और क्या, नहाने खान पेन के बाद तू निज प्रति करत बखान, अब अपन बल कहो हम ले जिए जा। ताकत जुर्रत हिम्मत जहाँ ताकत की बात है सरकार, फिर मारी ताकत के पैजामा फटा जा रहा। कितनी ताकत है? इतनी पैजामा फार ताकत है, जरा बताओ सरकार। अगर मैं चाहूँ तो इस जहान को हिला दूँ। तो इतना हिल क्यों रहा? मैं इस जहान को हिला दूं, और अगर मैं चाहूं तो कुत्ते। क्या कह रहा है? कुत्ते। किसको कह रहा है? कुत्ते को। कुत्ते को बोल रहा है। अरे कुत्ते को कुत्ता ना कहूंगा, क्या करेगा? कुत्ते को कुत्ता ना कहूंगा तो क्या आपको कुत्ता कहूंगा? नहीं। कुत्ते
कहीं के दूत मार डालूंगा अगर मेरी तरफ इजाजत की। कहीं के कुत्ते के पिल्ले क्या कुत्ते और बिल्ली को लड़ा बाश मौन हो जा। ये वीरता है परंतु ये बता कुत्ते को देख करके बिल्ली दुम दबा के भग जाती है। पूरी ज्यादा खा तो ताकत लगा तो कैसे उसको लड़ाएगा। सरकार 5 रुपया की मलाई लाऊंगा, 5 रुपया की मलाई फिर बीच चौराहे में रख दूंगा और एक तरफ से आएगा कुत्ता। पूछो किधर से, किधर से आएगा, जिधर होगा उधर से, नहीं तो किधर से आएगा, इधर ही है, किधर तो पीछे था सर। हमारी तरफ इशारा करोगे सरकार, एक तरफ से आएगा कुत्ता, एक तरफ से आएगी बिल्ली, आपस में लड़ जाएंगे और रबड़ी में खुद चढ़ जाऊंगा। शांत हो जा, ये वीरता बता रहा है, ये एक युक्ति है, ये युक्ति बताई गई तुम्हारे द्वारा। हम और वीरता जानना चाहते हैं जो रण क्षेत्रों में काम आए। ये तुम्हारे सामने कोई शत्रु आ जाए तो तुम क्या करोगे। सरकार अगर रण में मेरे सामने कोई आया तो मैं जानते हो क्या करूंगा, फेंक दूंगा सारे अस्त्र, फेंक कर सारे अस्त्र और कहूंगा शत्रु से तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये वीरता है। हाँ, नहीं है क्या वीरता वो बताओ। ये वीरता शुद्ध कंपनी की है, ये वीरता नहीं है। तो वीरता वो है जब रण में शत्रु को मारा जाए। तो आज तक किसी को मारा? मारा किसको? मारा किसको? मारा मेहरिया को मारा, मेहरिया को मारा। औरत को मारना कोई वीरता है? हमने मारा तो मारा, लेकिन कभी आपने ट्राई करना, अगर आपने ट्राई किया तो कई कंपनी तैयार मिलेगी। हाँ रुपया आ गया, रुपया आ गया। और ये हमारे देखिए जीतू भैया, अरे उनकी ओर से 50 रुपया ताकत में दे रहे हैं। अच्छा। हाँ सरकार, अरे सरकार मेहरिया को मारा तो मारा, मैंने हजारों के पैर काट डाले। पैर काट डाले? शाबाश शाबाश जवान, पैर काट डाला। हाँ सरकार, लेकिन सर क्यों नहीं काटा? सर इसलिए नहीं काटा कि अगर सर सलामत होता तो क्या पैर वो काटने देता। सर सलामत नहीं था, सब रमजानी के रिजेक्ट थे वो। तो मरो को मार रहा था? हाँ सरकार, मुर्दों के पैर काट रहा था। तो जिंदों को तो हमारे पापों ने नहीं मारा। दोस्त कहीं के मुर्दों को मारकर बहादुरी बता रहा है। हाँ सरकार। अच्छा ये बताओ, हमने सुना है तुम शायर बहुत पढ़े हो। है शायर? हाँ। किसके शायर? शायर शायरी बनाते हो? हाँ, आपको शायरी बना ले कि घर वाली बना ले? शायरी बनाना है। कैसे? अब उसमें कैसे एक चरण हम कहेंगे, चार चरण होते हैं, एक चरण हम कहेंगे और तीन चरण तुमको बनाना है। तो बना लिया सरकार, पहले मेरी शायर सुनो। सुनाओ सरकार। बना दिया बनाओ। बकरी चढ़ी पहाड़ में, हाँ पाछे से उतर गई। ये शायरी है? नहीं है क्या? दूसरी आप सुनिए। इस शहर में दीपू मस्ताना जी ने 51 रुपए आपको भेंट किए, जो बहुत अच्छे आर्गन प्लेयर हैं। बकरी चढ़ी पहाड़ में पाछे से उतर गई। अरे वाह वाह, बकरी पहाड़ में चढ़ी और पीछे से उतर गई, ये कोई शायरी है? तो दूसरी सुन लीजिए। सुनाओ। सुन लीजिए सरकार, सुन लीजिए, सुना दीजिए। हाँ सुन लीजिए सरकार। दिल दिया तो वो दिल्ली चली गई। अच्छा। दिल दिया तो वो दिल्ली चली गई। हाँ। अब मैं दिल्ली गया तो वो इटली चली गई। अच्छा फिर क्या हुआ? जान देने के लिए खंभे में चढ़ा तो सरकार बिजली चली गई। ओ शाबाश, लेकिन शायरी का एक चरण मैं कहूंगा और तीन चरण तुमको बनाना है। हाँ, बोलिए सरकार बोलिए। गया तखट पर लेट,
गया तखत पर लेट। हाँ, घर में खटोली नहीं थी तो गया तखत पर लेट। ये नहीं, शायरी बनाना है। शायरी बनाना है। हाँ, कोवा कटहर खाए के, कोवा कटहर खाए के ये पुरहस फूला पेट, झीक के हुक्का झीक के गयो तखर पर ले। शाबाश। शायरी बना दिया तो हमारे सर पे चढ़ेगा। अब क्या सरकार, साधारण है, शायरी बना ले। दूसरी बनाओ। दूसरी बताइए। दूसरी बनाओ तो समझे हम। हाँ बताइए बताइए। गा कुम्हड़ा अस्फाट, गा कुम्हड़ा अस्फाट, चोर गयो चोरी करन, चोर चोर। किसको चोर कह रहा है? ये नहीं है क्या? ये हमारे भाइयों को चोर बता रहा है। कल तो ये भैंसी छोरे घूम रहा था। मार डालूंगा सरकार, लालपुर मर रहा हूँ कि चार भैंसी चोर 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 गई है। यही था, चोर गया चोरी करन, काटन लगो ठाठ ठाठ, टूट के नीचे आगा गा कुमरा पाट दिया गुलाम देन की। शाबाश। लेकिन एक और बनाना है। सुस्त न बोलिए सर, एक और बनाना है। बताइए कैसे नाम पड़ा चौधरी? कैसे नाम पड़ा चौधरी? ओ चार चूतिया। हाँ, तीन तुम हो गए, एक और ढूंढ। चार चूतिया, चार कुम्हार। हाँ, चार कसाई। हाँ, दुई हत्यार। हाँ, कितने हुए? ये हो गए 14। जो बांधे 14 की धरी, वही का नाम परा चौधरी। शाबाश। सरकार बताइए अब क्या होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, अब क्या होना चाहिए? कहा मारो, दरबार की शोभा है मद्यपान की, चाय में बोतल लाओ हजार। रुक जाइए, हजार हजार, एक हजार बोतल, एक हजार बोतल, एक हजार बोतल का हिसाब तुम्हारा वाला बाप करेगा कि इनका बाप? क्यों ये बताओ, हिसाब तुमसे मांगता है क्या कोई? हाँ सरकार, हमारे दरबार की शोभा है। अब वो उधार नहीं देता, कहता खाता भर गया है। तुम जाकर सरकार का नाम बताना, हमारे बड़े भैया का नाम बताना। ये खुद दुकान में खड़े थे, बीड़ी माचिस मांग रहे थे कहीं। जाओ जाकर आदेश का पालन करो, शराब लेकर के आओ। कौन सा ब्रांड लोगे सरकार? कौन सा ब्रांड चलेगा? देसी? हम देसी लेंगे, पेवर मऊहा वाली। देसी चखना में सुदेसी? नहीं, लखानी। चखना में क्या लाओगे? जो आप चखना में पसंद कर। ऐसा करना हमारे लिए, ऊंट की पूंछ भुजवा के ले आना। बड़ा विशेष आइटम खाते हैं। कुत्ते की, ओ कुत्ते की पूंछ नहीं चलेगी कहीं? ऊंट के पूंछ से ज्यादा सौंधी होती है। चलो मैं लाता हूं सरकार। सरकार मऊहा सौ की लोहा सौ, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। चंदा आने लगा है, हमारे भाई ललित तिवारी जी है, हमारे नामा राशि है, तो 20 रुपया चंदा दे रहे हैं, कह रहे चखना कोई जबरजस्त लेना। पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, रही सी खाने दानी, पीले पीले अमर जानी। हाँ,
और हमारे भाई विनोद टेंट हाउस की ओर से 10 रुपया प्रदान करते हैं। हम टेंट हाउस को पावर हाउस का वरदान देते हैं और नया ब्रांड खोल देते हैं। बहुत खतरनाक है यार, बिल्कुल नेकुआ फार है, चीरती हुई चली गई यार। ओहो, कुआ कहते पानिया पानिया है, ढक्कन भरे में मुसरा खड़ा कर देती है, जला के दिखा दूं, जला के हाइलोजन हाइलोजन तक जल जाता है दारू से। एक बार फिर छिड़को भला, बार बार कहूं वहा का तमाशा भला, तुम्हारे ब्यास का दिन छिड़ी लेकिन कहते हैं भोग, हम लोग भी भोग लगाते हैं, राक्षस है तो क्या हुआ। जय हो मोरे पिछुआरे के देवता, जय हो मोरे बगल के देवता, जय हो मोरे अगल के देवता। देखिए ये चंदा नहीं लगा, वाह। कहते हैं उन्नत करने के लिए लोग चंदा दिया करते हैं, अब हम उन्नत की ओर जा रहे हैं। तो ये ये हो अगल के देवता, बगल के देवता, पिछुआरे के देवता, तरे के देवता। जय हो रामकली की अम्मा तुमरो नेवता। भोग लग गया, शराब सबको पीना चाहिए, शराब सबको पीना चाहिए, शराब पीने में फायदा है यारो। हाँ ये फायदा कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम बताते हैं, हम लोग राक्षस है क्यों पीते हैं, क्योंकि हम लोगों को फायदा है। क्या फायदा है? शराब पीने वाले का कभी बुढ़ापा नहीं आता। हाँ शराबी का कभी बुढ़ापा नहीं आता। क्यों पूछो? क्यों नहीं आता पूछो? अब क्यों बीच में कर दिया? और देखिए हमारे मास्टर साहब जो उनकी ओर से तिवारी जी महाराज की ओर से भी 50 रुपया चंदा प्रदान कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई वाह बड़ी उन्नत में है आप। और ये हैं भाई हमारे आदरणीय धीरज सिंह भैया, 21 रुपए चंदा आपको भेंट कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं क्यों बुढ़ापा नहीं आता? बुढ़ापा इसलिए नहीं आता शराब पीने वाले का, क्योंकि वो बुढ़ापे तक नहीं जाता, 30-35 में निपट जाता है। हाँ शराबी के घर में कभी चोरी नहीं होती। ऐसा क्यों? इसलिए कि कुछ बत्ते नहीं है, सब बेच के पी जाता है। शराबी को कभी कुत्ता नहीं काटता। ये क्यों नहीं काटता? शराबी को देख करके कुत्ता सोचता है मेरा भाई जा रहा है, अभी तक मैं नाली में था, अब ये नाली में जाएगा। बड़े फायदे हैं। ये शराब हम राक्षसों के लिए बनी है। हाँ राक्षसों के लिए, इसमें कई प्रकार का रक्त है, शेर का, मयूर का और सुअर का, ये सब रक्त मिला करके शराब बनाई गई है। और हमारे भाई धर्म पाठशाला के प्रोपाइटर विनय कुमार वर्मा जी भाई हमारे ललित मिश्रा जी के लिए 51 रुपए चखना के लिए, अब तो 10-12 क्वार्टर मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, जी भर पियेंगे आज, चाहे मुहे से प्राण निकल जाएं। भाई साहब को भी शामिल कर लेंगे, इनके तो नेकुआ से निकल जाएंगे। तो बैठ जी, इसमें शेर का रक्त जी, मयूर का रक्त और सुअर का रक्त, तीनों रक्तों को मिला करके, ये तीनों एक वृक्ष के नीचे रहते थे, वृक्ष गिरा, तीनों मर गए, वहां से कुछ राक्षस जा रहे थे तो कड़ाही में चढ़ा करके इन तीनों रक्तों की शराब उतारी। अच्छा। तो जब पहला पैक जाता है तो व्यक्ति शेर जैसा दहाड़ता है, और जब दूसरा जाता है तो मोर जैसा नाचने लगता है, वो देखो, और जब तीसरा जाता है तो नाली में घुस जाता है, क्योंकि उसका है ना, फुफ,
भाई साहब, आपके पास नून है क्या? नहीं नहीं, हो तो यार दो भाई, उधार दे लिखा दे दो भाई। वाह, मजाक करते हो? फिर न कहना, अभी पीने के बाद हम बताएंगे। फिर रंग बरसेगा, नूर बरसेगा, लम्हा लम्हा सुरूर बरसेगा, जाम उठने की देर है साकी, अब महीना खान बादल नहीं बरसेगा, महीना खान बादल। ये सब तो मिला के पीते हैं, ये सब तो मिला के पीते हैं, पानी शराब में, ये सब तो मिला के पीते हैं, पानी शराब में। मैं पी गया मिला के, मैं पी गया मिला के, जवानी शराब में। आप हो जाए, कतरा कतरा गुलाब हो जाए, तुम मुस्कुरा के जाम भरो तो सादा पानी शराब हो जाए। सब तो सब तो सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, सब तो मिला के पीते हैं शराब में। मैं तो मिला के पी गया, मैं तो मिला के पी गया, जवानी शराब में। पानी, अरे पान वाले, ऐसी बोतल मारूंगा, ऐसी बोतल मारूंगा कि कपारे तरे भवे हो जाएगी। हाथ पान के बच्चे, पान में नमक सोन दिया है, हाथ मैं वही हूँ पहचाना, वही हूँ पहचाना जो कल तेरी दुकान के सामने मार खा रहा था, आज आखी दिखा रहा है। मैं तो रस्ते से जा रहा था, बहुत सुंदर देख रहे हैं हमारे आदरणीय ललित मिश्रा जी को, और इधर हमारे आदरणीय श्री कमलाकांत भैया हमारे त्रिपाठी जी, तबला वादक जी हमारे, उन्होंने 51 रुपए भेंट किए हैं हमारे मिश्रा जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो होटल पे खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था, होटल में खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं, रंग भर से भीगा चुनरवा, रंग भर से
दौड़त दौड़त गाँव खरिहान घर में लोट गयो भैया। घाबड़ शराब लेने गया था और अभी वापस नहीं आया। तेरे नाम का दीवान चल करके उसे देखना चाहिए कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। दीवान तेरे मुंह को देखता हूँ, तेरे नाम का। और देखे ये घर दूसर तीसरा का दरबार, सुंदर हास्य कलाकार पंडित ललित किशोर जी मिश्र, ये ऑनलाइन पुरस्कार देवीगंज से गुप्त दान ललित जी के लिए 51 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देखो घामर शराब लेने गया था और अभी तक वापस नहीं आया, चल कर देखते हैं ये कहीं रास्ते में पीकर गिर गया हो। हेट नहीं भरती ए घामर। कौन है बे घामर? तेरे सरकार तुझको बुला रहे हैं। कौन सरकार? मैं स्वयं सरकार, मेरा बाप सरकार, बाप का बाप सरकार, आई एम सरकार। ऐसा लगता है इसने बहुत ज्यादा पी ली है, इसे दवा के माध्यम से होश मिलाना पड़ेगा। आई एम जवान। उतारा मांग रही है। घामर कौन है? घामर भैंस बंबा रही है। घामर दिखा कौन है? कौन? रिक्शा वाला। रिक्शा तू कल पैसा लेना बे, बहुत ज्यादा पी लिया इसने। तेरे बाप की पी है क्या? अब इसको वही प्रयोग करके इसको मार डालते। उधार लेके आए तो पी रहे हैं, नहीं कौन रोज पीते हैं, जब उधार मिल जाती पी लेते। घामर होश में आ जाने, मार डालूंगा। कौन? कौन? नहीं दिखाई दे रहा कौन? नहीं आंधारू। तुम्हारे सरकार? सरकार मैं स्वयं सरकार, कहते सरकार बड़े। अरे देखो दूसर सरकार सामने खड़े हैं कहीं के दोस्त। कहते सरकार बड़े है, सरकार कैसे बड़े? कैसे? कोई कहता ब्रह्मा बड़ा तो वो कंधा में क्यों पड़ा? सही। कोई कहता है शंकर बड़ा तो ककराहन में क्यों पड़ा? कोई कहता है विष्णु बड़ा तो पनिया में क्यों पड़ा? जो पी के पड़ा वो सबसे बड़ा बड़ा कहता है मैं बड़ा है, तेरे जैसा कितने उखाड़ा। आज इसने बहुत ज्यादा पी ली है। सरकार के पास जाऊंगा। ए कौन? हुजूर पहचाना? हुजूर ए हुजूर आप हैं? ये माई बाप है, ये लीजिए शराब लीजिए, ये लीजिए। कतो पेन है पुरखा खाली, क्यों ढक्कन नहीं थी उड़ गई? तो इसकी सील कैसे खत्म है? सील बीच में यही मिल गई थी, अब लगाई है। परंतु ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। ये तुम्हारे क्या लगा है कपड़े में? कपड़े में कुत्ते का विटामिन डी है। तो ये कैसे लग गया? शराब लेके रोड रोड जा रहा था, फिर एक मोड़ आया, मैं मुड़ गया, फिर चल पड़ा, मोड़ आया ही नहीं, मुड़ गया तो मुसरा नाली में घुस गया, वहीं पर पड़ा था। एक कुत्ता आया, मेरा दाहिना गाल चाटने लगा। कैसा लग रहा था तुम्हें? मैं सोच रहा था कि मैं घर में पड़ा हूँ, मेरे बच्चे मुन्ना बबलू पप्पू
सब आधा धुंद प्यार कर रहे हैं। मेरा जो मुंह था वो डिब्बा जैसे फाक से खुल गया। फिर क्या हुआ? फिर उस कुत्ते ने ऐसी मजाक किया, हम न बोल पाई है। फिर नानी मर गई। अरे क्या क्या मजाक किया उसने? ऐसी मजाक किया। क्या किया करके बता दूं? बताओ। और पाँच बगल में अरे तो नहीं भाई बता देना। बताओ कह के बताओ। कह के कह के कुत्ता मेरे पास आया, पहला गियर लगाया, फुल एक्सीलेटर दबाया और क्या किया? धीरे से पैर उठाया, मुंह में पलियावा कर दिया। अच्छा तुम्हारे मुंह में यानी कि पलियावा कर दिया, पेशाब कर दिया। अच्छा जब उसने ऐसा किया तो तुम्हें कैसा लग रहा था? मुझे लग रहा था कि मैं देवीगंज में पानी के बताशा खा रहा हूँ। तो तुम अब शराब को क्या कहना चाहते हो? बेकार है। है सरकार, जो कभी न देखा था दिखाया शराब ने, जो कभी न खाया था खिलाया शराब ने, खपरी के बल नाली में घुसेड़ा शराब ने, इसलिए सरकार ये बहुत गंदी चीज। नहीं है? इस शराब को बदनाम मत करो। क्यों? ये हमारे राक्षसों की शान है शराब। शान है तो क्योंकि छेर में लखेर में न माखन महीर में, काजू में न खस्ता में न बर्फी में न राब में। वाह वाह वाह। आप है सो आप इस वारंटी शराब में। इसलिए जब नशे का सुरूर हो तो नाचने वाली जरूर हो। नाचने वाली। तुम्हारा यहाँ से जाना हो, राजनर्तकी का दरबार में आना हो, सुंदर नाच और गाना हो। ऑनलाइन का समय जाने की क्या आवश्यकता है, यहीं से बुलाते हैं, है ना भैया? अच्छा देखे, अब केवल राज दरबार में एक नृत्य, इसके बाद ये लीला का विश्राम होगा। फिर बालाजी महाराज का बड़ा दिव्य स्वरूप, हनुमान जी का दर्शन, फिर कैलाश लेकर के चलेंगे, शंकर पार्वती का दर्शन, अघोरी शंकर महारुद्र अवतार।